एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और जो कि हमारी वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है, और वो है हंगर और एपिटाइट। मतलब एक्चुअल में भूख क्या होती है और भूख का एहसास, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम हंगर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हंगर। हंगर जो है वो हमारी सर्वाइवल के लिए यानी हमारी बका के लिए ज़रूरी चीज़ है। हमारी बॉडी सिग्नल देती है कि उसको उसके फंक्शंस प्रॉपर तरीके से करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो जो एनर्जी है हमें खुराक की सूरत में हमें मिलती है। और अगर वो खुराक हमें ना बॉडी को मिल रही हो तो तब जो हमें एहसास होता है उसको कहते हैं हंगर। तो ये तो वाइटल हो गया सर्वाइवल के लिए। उसके अलावा ये इंश्योर करता है कि हम इनफ अपने जितनी बॉडी की ज़रूरत है उसके मुताबिक हम खुराक लेते रहें ताकि हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन अच्छा कर सके, अच्छे तरीके से वो फंक्शनिंग कर सके, जैसे हार्ट रेट, उसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल करना या ब्रीदिंग, इन सब में जो है एनर्जी यूज़ होती है। और अगर हमारे पास एनर्जी होगी प्रॉपर तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है एपिटाइट। व्हाट इज़ एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब कि हमें इस तरह का एहसास होना कि हमें भूख लगी हुई है जबकि एक्चुअल में हमें भूख नहीं लगी होती, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वी ईट विदाउट फीलिंग हंगरी, यानी हम ऐसे ही बस खा लेते हैं कि अगर कोई टाइम हो गया खाने का तो हम खा लेते हैं, असल में हमें ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम उसको खा लेते हैं। वी ईट बिकॉज वी इंजॉय ईटिंग। हम अक्सर औकात इस तरह होता है, हम दोस्तों के साथ या किसी इस तरह के फेस्टिवल्स में होते हैं कि हमें खाना अच्छा लगता, ठीक है, हालांकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन हम उसको ऐसे बस इंजॉय के तौर पर हम खा लेते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हम एपिटाइट को कहेंगे कि एक खाने की ख्वाहिश, मतलब ज़रूरत ना हो लेकिन एक खाने की एक्स्ट्रा ख्वाहिश, उसको कहते हैं एपिटाइट। तो एपिटाइट जो है वो ऑब्वियसली लीड करता है हमारे वेट गेन में। तो अगर हमने वेट को कंट्रोल करना है तो हमें अपनी एपिटाइट को कंट्रोल करना होगा। तो अब है जी हमारे पास एपिटाइट को रिड्यूस करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको अगर हमें एपिटाइट महसूस हो या हमें इस तरह का फीलिंग हो कि हमने खाना है लेकिन ज़रूरत ना हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी क्या करेगा कि पानी एनर्जी तो नहीं देता लेकिन फीलिंग इस तरह की प्रोड्यूस करता है कि हमारा जो स्टमक है वो फुल फील करता है, स्ट्रेचिंग का उसके अंदर आ जाता है। तो इस तरह से हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर का मतलब ये है कि इस तरह की जो चीज़ें जो कि बल्क में ज़्यादा होती हैं, ठीक है, उनका घेराव ज़्यादा है, जैसे सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो हम वो हाई इन फाइबर है तो वो स्टमक को ज़्यादा फुल कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर जो अर्ज होती है कि खाना है हमने बगैर किसी ज़रूरत के वो ख़त्म हो जाती है। एक और चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन हमें जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से मिल सकती है, गोश्त से मिल सकती है, दालों से मिल सकती है। तो हम जो है वो प्रोटीन से क्या होता है, हमारा हार्मोन्स जो हैं वो अंदर रेगुलेट होते हैं, हार्मोन जो के एहसास कर देते हैं कि हमारा पेट फुल है, उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं ताकि जो है वो हमारी बॉडी मज़ीद खाने से जो है वो रुक जाए और वेट हमारा मैनेज रहे। एक और है मेथड एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से जो टेम्पररी एपिटाइट की फीलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी तौर पर होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम एपिटाइट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है क्रेविंग्स का। क्रेविंग एक स्पेसिफिक चीज़ की क्रेविंग होना। अब ये जो है ये हम डिज़ायर होती है कि हम कुछ एक ख़ास किस्म का खाना ले खाएं। ज़्यादातर जो है वो ये किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है, और लेकिन कभी कभार जो है वो ये हमारी बॉडी के बताने का तरीका होता है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से क्रेविंग्स होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये बोरियत की वजह से और जो स्ट्रेस है, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं, या हम अगर बोर हो रहे हो तो हम कुछ किसी चीज़ की क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, मीठे की क्रेविंग या कुछ इस तरह की, तो जो है वो ज़्यादातर ये स्ट्रेस में या बोर्डम में ये हमें क्रेविंग्स होती हैं। और ज़्यादा जो क्रेविंग्स का
फूड हैं जिनकी हमें क्रेविंग होती है वो शुगरी और फैटी फूड्स होते हैं, जैसे कि फ्राइज हो गए या केक की क्रेविंग होगी, तो ज़्यादातर क्रेविंग में ये चीज़ें होती हैं। और क्रेविंग को समझने की ज़रूरत है कि ये हमें या तो बता रही होती है कि बॉडी में कोई मसला है या फिर किसी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अच्छा, ये जो शुगरी फूड्स होते हैं ये क्रेविंग में हम इसलिए लेते हैं, इसमें इसके पीछे भी एक साइंस है कि ट्रिगर करता है प्लेयरेबल केमिकल्स को, यानी हमें वो खाने के बाद अच्छा महसूस होता है और हमारी जो स्ट्रेस है ये किसी हद तक कम होने में उसको साथ देता है। तो ये प्लेयर के लिए होता है और हम सिर्फ और सिर्फ इसी फीलिंग को लेने के लिए जो है वो क्रेविंग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और इसको समझने की ज़रूरत है वेट मैनेजमेंट में, ताकि जो है हमें आसानी हो कि हमने अपने वेट को किस तरह कंट्रोल करना है। और हमें ये भी चीज़ें डिस्कस की तो कि अपनी एपिटाइट को किस तरह हम कर सकते हैं कंट्रोल। तो अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको और कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आप उन्हें जानना चाहते हैं, तो मैं वो इंशाल्लाह ज़रूर अपने चैनल पे उस कॉन्सेप्ट को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।